बात सियासी खबरों की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने कांग्रेस पर राम से लेकर गौठान तक को लेकर वार कर दिया। इधर कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह पर पलटवार करने में देर नहीं की। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर के नेताओं और साधु संतों को और गणमान्य लोगों को इसके लिए न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, खड़गे को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भेजा था, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री की क्लास ली थी, क्योंकि नेहरू खुद को बाय डिफॉल्ट हिंदू मानते थे और ये परंपरा उनके खून में है। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली, हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ। कांग्रेस पर बरसने को लेकर गिरिराज सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गौठान के नाम पर जमकर लूट की, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी निशाना साधा। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया, क्या गोठान, उसी को ठीक करने आया। इधर कांग्रेस ने भी गिरिराज के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वहीं गौठान घोटाले के आरोपों पर भी पलटवार किया है। तो एक तरफ गिरिराज सिंह कांग्रेस पर बाय डिफॉल्ट हिंदू विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर चुनावी फायदे के लिए अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आबाद हार के बाद कांग्रेस नेताओं के छलकते दर्द की। बीजेपी से करारी शिकस्त की टीस समय समय पर कांग्रेस नेताओं की बाहर आ रही है, और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी नाम जुड़ गया है। महंत ने जो कुछ कहा वो पार्टी पदाधिकारियों की भरी सभा में कहा, पायलट की मौजूदगी में कहा। अब महंत का बयान कांग्रेस नेताओं के गले से ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। उधर बीजेपी चुटकी ले रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं का दर्द छलक पड़ा है। अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की टीस बाहर आई। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में हुई इस बैठक में चरणदास महंत का दर्द छलका। उन्होंने प्रदेश प्रभारी के सामने कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद हम सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं। महंत के इस बयान पर सचिन पायलट ने भी हां में हां मिलाई। और सचमुच में कहें, आप तो अनुभवी आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे, ये सबकी हालत है और हम लोग काफ़ी दुखी हुए हैं। जो बात महन साहब बोल रहे थे वो बिल्कुल सत्य है कि मुझको खड़गे साहब ने, राहुल जी ने एक जिम्मेदारी दी है आपके साथ मिलकर काम करने की, और एक ऐसे समय पर दी है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे और उम्मीद से परे हम लोग यहां छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए।
इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। परिणाम कांग्रेस के विपरीत आया है, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। किस संदर्भ में कैसे वो बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। अब हार तो हार है और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में करारी हार मिली है, यही सच्चाई है। और फिलहाल आगे 5 साल तक कांग्रेस नेताओं को इसी सच्चाई के साथ जीना होगा। हालांकि वो इस कोशिश में लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर इस दर्द को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। में मिली हार का असर पार्टी की फंडिंग पर भी पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस क्राउड फंडिंग का सहारा ले रही है और इसे लेकर निर्देश भी जारी हुए हैं, लेकिन नतीजों से निराश कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसे लेकर उदासीन दिखाई दे रहे हैं और फंडिंग को लेकर हाथ खुल ही नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के करीब 19,50,000 सदस्य हैं, लेकिन करीब 2.9% लोगों ने ही डोनेशन किया। कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज के मुताबिक 37,32,444 रुपए जमा हुए। सदस्यों के मुताबिक सभी 138 रुपए भी जमा करते तो इस 1,91,00,000 रुपए हो जाते, क्योंकि पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से 138 रुपए और सांसद विधायकों को 1,38,000 जमा करने को कहा था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बैज का कहना है कि इसे लेकर फिर से प्रयास किए जाएंगे, लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हाँ, क्राउड फंडिंग मामले में यह है कि हम लोग लगातार कार्यकर्ता और हमारे प्रभारियों को निर्देशित किए हैं और कल के बैठक में भी चर्चा हुई, परसों की बैठक में भी चर्चा हुआ, तो इसको हम लोग आने वाला समय में इसको तेज गति से और करेंगे ताकि हर कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे और क्राउड फंडिंग भी छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने अपने दौरे के दौरान ली गई बैठकों की फंडिंग को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की। इधर फंडिंग नहीं होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र काम बचा है फंड इकट्ठा करना, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। हमारी पार्टी ने इस बार कोशिश की है कि हम, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके अंदर जो खौफ पैदा किया है केंद्र सरकार ने, उसको देखते बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद हमको बड़े उद्योगपति नहीं कर रहे हैं, और अब हमको ज़रूरत है कि हम अपने कार्यकर्ताओं लोगों तक जाएं। और डोनेट फॉर देश सिर्फ पैसा इकट्ठे करने का एक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये भी है कि हम गांव तक जाएं, कस्बे तक जाएं, लोगों से मिलें जो विचारधारा से सहमत हैं, जो हमारे समर्थक हो सकते हैं, उनसे मुलाकात कर एक नया सेतु बनने का काम करें। ऐसा है, कांग्रेस का तो एकमात्र काम बचा है फंड इकट्ठा करना, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया। लेकिन इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे सर, अब वो तो जनता तय करेगी। सामने लोकसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस को बड़े फंड की जरूरत है। अब देखना यह है कि नए प्रभारी के आने के बाद किस तरह से लक्ष्य पूरा होता है। ममता लांजेवार, न्यूज 18, रायपुर। महासमुंद में करीब 5 करोड़ का सोना पकड़ाया। कार से यह सोना ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र लेकर जाया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने 7 किलो का सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, इनसे 2 कार जब्त की गई हैं। ये तस्कर सोने के बिस्किट, पत्तियां और रैपर लेकर ओडिशा छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के पुणे जा रहे थे। कल दोपहर को जो ओडिशा बॉर्डर है, सिंगोड़ा थाने का रेटी खोल हमारा जो चेक पोस्ट है, उसमें हमारी टीम लगी हुई थी और ये एक संदिग्ध गाड़ी आती दिखी थी, पहले क्रेटा और उसके जब पूछताछ किए तो उसके पीछे में एक और गाड़ी आई, हुंडई i10। उस i10 के जो भी चालक से उनसे हम लोगों ने थॉरली पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पहले वो नान उपयोग कर रहा था, फिर जब गाड़ी की हमने अच्छे से चेकिंग की तो ड्राइवर सीट के नीचे एक उसने एक पेटी टाइप का बना के रखा था,
गुप्त एक कैबिनेट बना के रखा था, उसको जब खोला गया तो उसमें से चार पैकेट निकले थे जो सील बंद थे। उन चारों पैकेट की हमने वीडियोग्राफी कराई और गवाहों के समक्ष जब उसको खोला तो उसमें से 39 सोने के बिस्किट निकले और 22 सोने की पट्टियां निकली। लगभग 7.5 किलो का ये उनका सोने का ये जो निकला था, धातु का एक ये निकला, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4,94,00,000 है। सिंघोड़ा में इंटर स्टेट चेक पोस्ट रेटीखोल नेशनल हाईवे 53 पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उड़ीसा की ओर से पश्चिम बंगाल नंबर की एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी, उसे रुकवाया गया। कार में 3 लोग सवार थे, अभी पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान महाराष्ट्र नंबर की एक और कार वहां से आती है, उसे रोका जाता है जिसमें 2 लोग सवार थे। उस कार की तलाशी ली गई तो पिछली सीट पर चैम्बर बना दिखाई दिया, उसको खोलने पर अंदर से सोना बरामद हुआ है जिससे जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कार सवार दस्तावेज नहीं दिखा पाए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सोमनाथ तोंडेकर, महासमुंद न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महादेव सट्टा ऐप मामले में नीतीश तिबरेवाल और अमित अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। कल उनको रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब ईडी उनसे पूछताछ में जुटी है और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 12 जनवरी को महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अमित अग्रवाल और नितिन तिबरीवाल है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के द्वारा रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट द्वारा उन दोनों आरोपियों को 5 दिनों के हिरासत में ईडी को सौंप दिया गया। इस मामले में शुरुआती दौर की पूछताछ के दौरान आरोपी नितिन तिबरीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि किस तरह से इस महादेव ऐप से जुड़े मामले में उसकी भूमिका थी और वो अन्य आरोपियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। इन दोनों आरोपियों को ईडी के द्वारा कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा था, लेकिन ये दोनों पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार आरोपी नितिन तिबरीवाल मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन इस आरोपी का मुंबई, हरियाणा के गुरुग्राम में भी दफ्तर है और इसका दुबई में भी बहुत बड़ा कारोबारी संबंध रहा है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार दूसरा आरोपी अमित अग्रवाल की अगर बात करें तो अमित अग्रवाल मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का रहने वाला है, लेकिन उसका भी दुबई में कई प्रॉपर्टीज से कनेक्शन जुड़ा हुआ सामने आया, जिसके बाद महादेव ऐप से जुड़े मामले की तफ्तीश के दौरान जांच के दौरान मिले सबूतों और अन्य आरोपियों के दर्ज बयानों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिलासपुर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, जहां पहले तो महिला के साथ जमकर मारपीट हुई, उसके बाद उसे गर्म लोहे से जलाया गया। महिला को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसके गांव के लोगों ने ही जादू टोने के शक में बर्बरता की। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सो रहे हैं सर, आपको पता नहीं हो मन कैसे वाला ठग के लेके मार के मतलब दुनिया में फेंक दे रही है। बैगा उगा ला रही थी ना वाला मार के मतलब बोला जलाए भी है वह मारे भी है, अब चाकू छुरी में से सब तिल छेदे भी है। मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा से पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वृद्धा भूरी बाई सोनवानी करके जो कि घायल है और हॉस्पिटलाइज है, तो इस प्रकरण की जांच की जा रही थी। प्रथम रजिस्ट्रियन के जो बेटे बहु इत्यादि हैं वो लोग आरोप लगा रहे थे कि उनके जो पड़ोसी हैं वो उनके द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई है। बाकी अभी जो उनका कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से बयान लिया गया है उसमें कुछ विरोधाभासी कथन आए हैं, तो अभी प्रकरण की जाँच की जा रही है, जाँच उपरांत इसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है और इसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने वर्चुअली बैठक में आयोजन के संबंध में जानकारी दी, साथ ही प्रत्येक विकासखंड स्तर में कम से कम एक प्रतिष्ठित मंदिर में 22 जनवरी को दीप जलाने, दीपदान और लाइटिंग की व्यवस्था करे जाने की बात कही गई है।
उपस्थित हो गए हैं और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जितना बोले थे वो उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा लोग आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भक्तगण हैं और व्यवस्था और सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है और वाकई में यहाँ व्यवस्था खुद की है और सुरक्षा खुद साथ में लेके चल रहे हैं। आपने अलग अलग तरह के कई डॉग्स देखे होंगे लेकिन आपने कभी किसी बोलने वाले डॉग को नहीं देखा होगा। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये डॉग खास है क्योंकि ये डॉग बोलने वाला है। दुर्ग के भिलाई में एक डॉग है जो अपने मालिक के साथ भगवान राम का नाम लेता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे ही परिवार के लोग राम राम बोलते हैं तो डॉग भी राम राम बोलने लगता है। इसका नाम जूली है। बताया जा रहा है कि जब कभी भजन गाए जाते हैं तो ये डॉग भजन में मग्न हो जाता है। जूली बोलो राम राम। जूली बोलो। जब संपूर्ण देश में राम नाम की गंगा बह रही हो उस बीच इंसान तो इंसान बेजुबान जानवर भी बोलने लगते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जूली जिसे इस परिवार ने काफ़ी प्यार से पाला है और जूली बोलती है राम नाम। हालांकि ये जो है अभी थोड़ी सी डरी हुई है हमारे बीच में आई हुई है लेकिन ये जूली बड़े बहुत ही इकनान से बोलती है। राम नाम की धुन जब यहाँ पर होती है तो वो उनके साथ गाती भी है और साथ ही जो है राम जो है मैं चाहूँगा सीमा जी आप एक बार इनको कुछ बुलवाइए बोले वो। वैसे जूली बोलो बेटा राम राम बोलो राम 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 बोल दो राम राम बोल दो राम राम। एक्चुअली में वो आप लोगों को देख रही है शायद इसलिए वो डर गई है। बट जब हम राम जी की भक्ति में डूब जाते हैं हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं भजन की तो इसे भी वो चीज़ समझ में आती है। और वैसे भी पूरी अयोध्या के कारण सभी लोग भक्तिमय हो चुके हैं और इस बीच हमारी जूली भी भक्तिमय हो चुकी है और वो भी हमारे साथ राम राम की धुन गाती किस तरह से गाती है ये किस तरह से सुर से सुर मिला ये। एक्चुअल में हम लोग दो तीन दिन पहले राम के हमारे जो 22 तारीख को प्रोग्राम है 21-22-23 को लगातार कार्यक्रम है भजन के तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये जब राम शब्द राम 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 सिया राम जैसे बोलते थे तो ये भी अपना राम राम बोलने की कोशिश करती थी तो हमने इसका रिकॉर्ड किया। फिर राम राम जब बोले तो साफ साफ ऐसा लग रहा था कि ये राम राम बोलना चाहती है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर।